शहर में बढ़ती वारदातों को लेकर अग्रवाल समाज में आक्रोश। बैठक के बाद प्रशासन को ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। दिन दहाड़े शहर में लगातार वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के किले गेट पर परचूने की दुकान चलाने वाले सौरभ पुत्र विनोद गोयल, जो हौद मोहल्ले की गली नंबर 2 निवासी हैं, ने बताया कि उनकी दुकान पर शाम 6 बजे के करीब रामू उर्फ पवन पुत्र कल्याण सिंह ठाकुर आया, जो पैठा मांग रहा था। मना करने पर उस वक्त तो चला गया, लेकिन बाद में अन्य लोगों को लेकर आया और दुकान से खींचकर उस पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। गुरुवार को शहर के सेंपो रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास एक किराना दुकानदार विवेक पुत्र सुरेश चंद सिंगल की दुकान पर उधारी के पैसे मांगने पर हमला किया गया था। इसे लेकर शनिवार को अग्रवाल धर्मशाला में समाज की बैठक जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सिंगल ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो व्यापारी जिले के अधिकारियों से मिलेंगे। वहीं बैठक में बाड़ी अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने कहा कि हम सभी समाजों का सहयोग करते हैं, यदि दुकानदारों पर आगे कोई हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस दौरान चेयरमैन भगवती प्रसाद मित्तल के साथ अग्रवाल समाज और व्यापार संघ के अध्यक्ष अमित मंगल मौजूद रहे। बीवीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। हमने अभी कोई बाजार बंद नहीं किया है, कोई उग्र आंदोलन नहीं किया है, चाहे कितने भी कांड हो गए हो। रामसर हत्याकांड हुआ, दिल्ली धोबी हत्याकांड हुआ, तमाम चोरी डकैती पकड़ी समाज हो, छोटे छोटे गांव, चाहे नगर हो, चाहे सेवर हो, चाहे चिलाचंद हो, चाहे सुनीपुर हो, ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का किया स्वागत। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर पंचायत समिति बाड़ी प्रांगण में प्रधान अजय सिंह मलिंगा पंचायत समिति की अध्यक्षता में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का रोली चावल का तिलक लगाकर एवं फूलों की माला पहनाकर तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष द्वारा मतदाताओं एवं कर्मचारियों को शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। समारोह के दौरान पुरुषोत्तम लाल तहसीलदार, होतम सिंह चेयरमैन, प्रतिनिधि कल्याण सिंह मीणा, एसी बीईओ सुरेश भारद्वाज, आरपी निजामुद्दीन खान, अध्यक्ष ब्लॉक परफॉर्मेंस कमेटी राजकुमार भारद्वाज, पार्षद नगर पालिका एवं नगर पालिका क्षेत्र बाड़ी के समस्त बीएलओ व सुपरवाइजर एवं नगर पालिका क्षेत्र बाड़ी के कर्मचारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से रामदास तरुण की रिपोर्ट। वो शत प्रतिशत मतदान करें और आज निर्वाचन आयोग ने इतने विभिन्न गतिविधियों द्वारा ये दृढ़ निश्चय किया है कि दिव्यांग जन हो, बुजुर्ग जन हो, ये सब अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र में इसकी नीम को मजबूत करें। जितना हमारा अधिक प्रतिशत मतदान होगा उतना ही योग उम्मीदवार हमें मिलेंगे। आज राजस्थान में 80% सही जा रही है, उसकी आपने प्रशंसा की। हमें आदरणीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की मर्यादा को बनाए रखेंगे, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला 12 वर्षीय बालक। सर्वत्रा की दुखद खबर। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि मासूम घन सुंदर 12 वर्ष पुत्र राम अवतार मीणा निवासी कोनेसा शनिवार सुबह घर से स्कूल के लिए गया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह दोस्तों के साथ वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते से मासूम अचानक गायब हो गया। मासूम के अचानक गायब हो जाने के बाद परिजनों ने उसके आसपास के इलाकों में तलाश की। शनिवार देर शाम को
गांव के ही बाहर एक खेत में कुछ किसान बाजरे की कटाई कर रहे थे, जिन्हें मासूम नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के शव को पेड़ से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद मासूम के शव को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की जांच स्पष्ट हो सकेगी। बीबीएन ब्यूरो के लिए सरमथुरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्रामीण सेवा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन वृद्ध आश्रम में किया गया। समारोह में रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि बुजुर्ग परिवार के आधार स्तंभ होते हैं और इन्हीं के अनुभव से परिवार फलता फूलता है। इस अवसर पर मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा ने कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों का उनके बच्चे भी फिर सम्मान नहीं करते, इसीलिए वृद्ध जन जिस सम्मान के पात्र हैं उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान समारोह में अपना घर सेवा समिति की महिला इकाई द्वारा सभी बुजुर्गों का माला शॉल छड़ी देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अपना घर सेवा समिति की महिला इकाई अध्यक्ष राजकुमारी सिंगल ने कहा कि अपना घर सेवा समिति की महिला इकाई धौलपुर में अपने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। ग्रामीण सेवा संस्थान के सचिव ब्रजेश मुखरैया द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए वृद्ध आश्रम के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। मंच का संचालन न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति महिला मंडल से संरक्षक वीनस गर्ग, सचिव ममता सिंगल, कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा, राम भारद्वाज, आशा सिंगल, सुजाता बंसल, बॉबी गोयल, गीता शर्मा, मिथिलेश, इंदिरा आरती गर्ग, शशि गर्ग, तनु गर्ग एवं व्यवस्थापक शुभम उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे। बीबीएन ब्यूरो के लिए धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। हमारे वृद्धाश्रम में सहयोग करते हैं, मैं उनका साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, कोई भी काम एक व्यक्ति अपने मन तन धन से नहीं कर सकता है, ये जो सामाजिक सरोकार सब जुड़ के काम कर सकते हैं। मैं 2013 से इस आश्रम उनके कई कार्यक्रमों में विशेष रूप से वृद्धजन दिवस पर आने का शुरू से ही मुझे कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। जितना सहयोग होता है हम लोग करते हैं, लेकिन जिस देश की संस्कृति है वो संस्कृति ये नहीं थी कि कभी शायद हमारे पूर्वजों ने ये कल्पना नहीं की होगी कि इस प्रकार के हम कामना करते हैं और जितना भी हो सके हमारा अगर तन मन धन जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की करें और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का कोशिश करें कि वो भी अपने वृद्ध जनों की सेवा कर सकें, जिससे ये स्थिति आए ही नहीं। और जो भी विधायक बोहरा ने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आज रविवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने सिकरौंदा ग्राम पंचायत के डोंगरपुर और रामगढ़ा विडार में नवीन सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण एमएलए कोटा से स्वीकृत प्रत्येक 4 लाख रुपए की लागत से हुआ है और सिकरौंदा ग्राम पंचायत के गाँव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकरौंदा में 2 नवीन कक्षों का भी उद्घाटन किया, जिसका निर्माण एमएलए लेड से स्वीकृत 5 लाख रुपए की लागत से हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने वह प्रत्येक विकास कार्य किया जो जनता के लिए महत्वपूर्ण था। कार्यक्रम के दौरान सिकरौंदा सरपंच गंगा प्रसाद वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह जादौन, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह वर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष नाहर सिंह, पार्षद प्रतिनिधि अशोक शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए राजाखेड़ा से कुश राठौर की रिपोर्ट। पंचायत समिति प्रांगण एवं ग्राम पंचायत सलेमपुर में चलाया गया स्वच्छ भारत विशेष अभियान। बसेड़ी पंचायत समिति सभागार एवं ग्राम पंचायत
सलेमपुर में स्वच्छ भारत मिशन को याद करते हुए सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से भारत के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी को स्वच्छ रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी, जो कि प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लोगों को याद दिलाने के लिए पंचायत समिति सभागार के विकास अधिकारी गिरिराज सिंह के नेतृत्व में पंचायत समिति प्रांगण, ग्राम पंचायत सलेमपुर और अन्य कई ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मुहिम के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी गिरिराज सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश चंद गर्ग, ब्लॉक समन्वयक धर्मेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा, बाबू रोहित शर्मा, जितेंद्र परमार सहित कई लोग मौजूद रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने चलाया सफाई अभियान, बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में एनएसएस प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, सहायक आचार्य के मार्गदर्शन में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज 1 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे एक घंटा श्रमदान कर सार्वजनिक स्थल कोटरा महादेव मंदिर एवं इसके नजदीक स्थित जलाशय के आसपास पड़ी गंदगी की साफ सफाई राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा की गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार द्वारा स्वच्छता को एक दिन का कार्यक्रम न मानकर जीवन भर किए जाने का आह्वान किया। डॉक्टर योगेंद्र आचार्य एवं हरिदमन सिंह, सहायक आचार्य ने स्वयंसेवकों को प्रेरित करते हुए स्वच्छता को ही राष्ट्र सेवा का पर्यायवाची बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के निर्देशन में 1 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान चलाया, हाथरस उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबर। आज 1 अक्टूबर से गांधी जयंती पखवाड़ा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत रेलवे स्टेशन, रेलवे क्वार्टर के साथ पूरे रेलवे परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में संस्था अध्यक्ष डॉक्टर एम एल रावत के साथ मुख्य रूप से रेलवे सहायक मंडल अभियंता एस के पांडे, मथुरा छावनी एवं वाणिज्य विभाग के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक विपिन कुमार सारस्वत सफाई अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एवं दिव्यांगजन विकास संगठन दिव्यांग सेना की जिला अध्यक्ष राजमाला, गायत्री विद्यापीठ स्कूल के डायरेक्टर सत्यप्रकाश सारस्वत, सुशीला देवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल गणेश रथ पाहिल एवं रेलवे के सीनियर स्टेशन इंजीनियर संजीव शर्मा, सीनियर सेक्शन देवे आलोक, स्टेशन अधीक्षक गणेव रंजन, लोको इंस्पेक्टर उदल सिंह, मनोज कुमार, श्यामवीर, अनिल, राजकुमारी, पोप सिंह, रणवीर, सत्येंद्र, संजय कुमार, रवि दुबे, राजू सोनू, आदित्य, अंकित, सुनील आदि कर्मचारी गण एवं रामेश्वर सारस्वत, गोपाल समाजसेवी पन्ना लाल, पीयूष रावत सहित सैकड़ों दिव्यांगजनों ने आवासीय विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र जलेसर रोड पर सफाई अभियान चलाया गया। दुष्यंत कुमार पचौरी का विषय सहयोग रहा। बीबीएन ब्यूरो के लिए हाथरस से ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी की रिपोर्ट। जैसे जा रहे हो, कोई खाना कोई फल खाया फेंक दिया, उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी में हो रहे हैं। कोई भी छिलका आपने डाल दिया और गाड़ी आई, बाइक हो, कोई भी फिसल सकती है। तो ये हम लोगों का सभी का उद्देश्य है। हम लोग ये सफाई अभियान में अपना पूरा सहयोग दें।
भारत सरकार के इस भारत सरकार के अपने उद्देश्य को ये पूर्ण करिए, जिससे हम लोग स्वस्थ रहें, हमारा वातावरण स्वस्थ रहे, हमारा माहौल स्वस्थ रहे। इसी के क्रम में हम लोगों को सभी को ये सब करना चाहिए और पूरे शहर के अगर बाहर हम अपने अपने घर और सामने भी सही करते रहें एक दूसरा, तब भी हम स्वस्थ रहेंगे और ये हमें करना चाहिए। मैं ज़्यादा ना कह के आपकी भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से इसको स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और प्रत्येक दिन कोई न कोई टास्क किसी न किसी स्थान पर क्या काम करना है, कैसे सफाई करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है कि सफाई के प्रति लोगों में